तक गाड़ी नहीं भरा। क्या करें नरेंद्र भैया, इस बार आप लोगों के जमीन पर जो इतने बड़े साइज के कद्दू हुए हैं, बाप रे, बहुत ही बड़े और भारी हैं। इस गाड़ी में भरते भरते पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अच्छा भैया, आपके मालिक ने इस बार ऐसा कौन सा खाद दिया है? मालिक ने कद्दू में क्या रखा है वो तो सिर्फ मालिक और मैं ही जानते हैं। अरे और क्या देंगे, वही साधारण मिट्टी और पानी। उसी से इतने बड़े बड़े कद्दू, वाह वाह, कद्दू भी जल्दी बड़े हो रहे हैं। एक दिन छोड़कर आता हूँ और गाड़ी भर के लेकर जाता हूँ। उपज भी भारी हुई है इस बार। क्यों, चलो चलो जल्दी से हाथ चलाकर सारे कद्दू गाड़ी में भर दो। मालिक ने अगर आकर देखा कि अभी तक गाड़ी नहीं भरी है तो वो गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, बस भर रहा हूँ, भर रहा हूँ। अरे घना, पैंट इस तरह से ऊपर उठा हुआ क्यों है, उसमें क्या है? एक छोटा सा कद्दू है, पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था, मैं ले लिया। क्या करोगे इसे लेकर? बेटे को दे दूंगा, बॉल बनाकर खेलेगा वो। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ हाँ, इस बार कद्दू को बेचकर बहुत मुनाफा हो रहा है। यदि इसी तरह चलता रहा तो दोनों ही अमीर हो जाएंगे। वाह, इतने दिनों तक क्यों इस चीज के बारे में मुझे पता नहीं चला। क्या हुआ, गाड़ी लोड होकर गई या नहीं? हाँ मालिक, मालिक एक बात है। बोलो। मैं कह रहा था कि गाड़ी के आदमी हम लोगों के फसल के बारे में सवाल कर रहे थे। सवाल, कैसे सवाल? कौन सा खाद डालते हैं वगैरह, यही सब पूछ रहे थे। तो फिर तुमने बेवकूफ के जैसे कुछ बता तो नहीं दिया ना? नहीं नहीं, असली बात बता दूं, इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मालिक। आप मतलब मालिक, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर किसी को पता चल गया तो। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। अच्छा सुन, कल सवेरे सूर्योदय से पहले ही खेत पर जाकर हम लोग काम शुरू कर देंगे, घर जाओ। और एक बात मालिक, वो अब स्टॉक में नहीं है। ठीक है, शाम में वो दुकान से ले आना। अरे ये क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ? मेरे पैंट के पॉकेट में रखे हुए कद्दू को पता नहीं कैसे बड़ा हो रहा है ये। क्या मतलब? देखो ना, जो पॉकेट में रखा था तभी इतने से थे, अब पॉकेट एकदम टाइट होता जा रहा है मेरा। अच्छा, देखो देखो जरा। अरे हाँ, पॉकेट तो एकदम टाइट हो गया है। बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे ये तो कुछ भी करने से बाहर ही नहीं निकल रहा, क्या करें? ये कैसे हो सकता है, पॉकेट में रखे हुए कद्दू इतने बड़े कैसे हो गए? तो ये पहली बार देख रहा हूँ। अब क्या करूँ, लग रहा है कि अब पॉकेट काट कर ही इसे बाहर निकालना पड़ेगा। भैया मुझे जरा 12 एम्प्यूल दीजिए। जरा रुकिए। ये काम कर रहा है ना? काम कर रहा है मतलब 6-7 दिनों में कद्दू राक्षस के साइज जितना बड़ा हो जाता है। तब तो मुनाफा भी बहुत होता होगा। वो तो हो रहा है। तब तो ये दिमाग देने के लिए मुझे भी कुछ मिलेगा ना? जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आज 500 रखिए, बाकी के देता हूँ। हाँ एक और बात, खुद खरीद कर कद्दू खा मत लेना। लेकिन क्यों? देखो सभी दवाइयों का एक साइड इफेक्ट होता है ना। नहीं नहीं, इस बात की चिंता नहीं है, ना मैं खुद खाता हूँ ना मेरे परिवार को खाने देता हूँ। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ भैया। जल्दी जल्दी काम खत्म करना पड़ेगा। अरे कोई आ रहा है। अरे नरेन, एम्पल के सारे इंजेक्शन छुपा कर रख दो। हे, अरे कौन है इतने सुबह सुबह कद्दू के खेत में, कौन है? हाँ कौन है? अरे मुखिया जी, मैं हूँ। अच्छा तुम हो, लेकिन तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो यहाँ? मैं और नरेन कद्दू की फसल बढ़िया हो रही है कि नहीं ये जरा देखने आए थे चाचा। वाह 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 वा, बहुत बढ़िया, इसीलिए तुम्हारे जमीन की फसल इतनी अच्छी है, उपज बहुत अच्छी आ रही है। वाह 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 वाह, एक एक कितने बड़े बड़े कद्दू आ रहे। वाह वाह, देख लो बाबू देख लो। हाँ मैं तो जा रहा हूँ, चलता हूँ। हाँ चलता हूँ। अरे भाई कद्दू वाले भाई, अपना ये कद्दू तुम वापस रख लो। वापस रख लो? क्यों, लग रहा है कि ये कद्दू किसी भूतिया जमीन का है, वरना खरीदने के बाद भी कहीं साइज बड़ा होता है क्या? लो लो कद्दू ले लो और पैसे दे दो।
अरे भाई वो आदमी कोई झूठ नहीं बोल रहा था। क्या मतलब? सुनो ये सारी बात समझा कर सारे कद्दू उन्हें वापस कर दो। कल सारे कद्दू आपने वापस क्यों कर दिए? वापस भेजने की वजह थी इसलिए। सुनो भाई तुम्हारे कद्दू में गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? पेड़ से तोड़ने के बाद भी कुछ कुछ कद्दू की साइज बड़ी हो जाती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? मालिक। अरे क्या बात है? जल्दी घर चलिए मालिक, घर पे बहुत बड़ी समस्या हो गई है। क्या हुआ? आपके घर के जाने के बाद ही कोकन को उल्टियाँ होने शुरू हो गई है और दस्त भी हो रही है। अरे ये क्या, डॉक्टर को बुलाया नहीं? डॉक्टर को बुलाने के बाद ही आपको बताने आया हूँ मालिक। चलो चलो जरा देखूं तो। क्या क्या हुआ खोकन को? देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी खाने की चीज से एलर्जी हो गई है इसे। अच्छा आप तो इसकी माँ हो, जरा सोच कर बताइए कि आपके बेटे ने कल क्या क्या खाया? वो कल शाम को इसने कद्दू की सब्जी थोड़ी ज्यादा खा ली थी बस। कद्दू? हमारे खेत के कद्दू? अरे हमारे खेत का नहीं होगा तो और कहाँ का होगा, बताओ तो जरा। हा? क्यों क्यों क्यों, मुझे भी ना बताए मेरे खेत की सब्जी इसे क्यों दी? क्यों? क्या करती मैं, बहुत जिद कर रहा था ये। जिद करेगा तो देना पड़ेगा। तुम क्या नहीं जानती हो ज्यादा कद्दू की सब्जी खाना कितना हानिकारक है? क्यों हानिकारक क्यों है, क्या है उसमें? अरे मर गया, वो तो मैं नहीं बता सकता। तब तो मैं भी आपके बेटे को नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि बीमारी की वजह जाने बगैर मैं बढ़िया तरीके से इलाज कैसे कर पाऊंगा। मैं जा रहा हूँ अभी, हो सके तो इसे अस्पताल ले जाओ। इस तरह से मेरे बेटे को छोड़कर मत जाइए डॉक्टर साहब। तो बताओ। ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में मैंने फसल में हार्मोन की दवाई डाली थी। हार्मोन की दवाई? सत्यानाश, अरे वो तो इंसानों को मारने का जहर है, और आपने ज्यादा मुनाफे के लालच में जहर मिला दिया। आप जानते हैं इस काम की सजा क्या है? जो भी सजा देंगे वो मैं ले लूंगा, सिर्फ मेरे बेटे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। वो तो मैं करूंगा ही, लेकिन आपको पुलिस के सामने सारी बातें कबूलनी पड़ेगी। वैसा ही करूंगा, अपने पाप का प्रायश्चित तो मैं करूंगा ही, सिर्फ मेरे बच्चे को। साहब जी जरा देखिएगा कि वो किसी भी हालत में छूटने ना पाए। छे 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 रघुपति को सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। रघुपति को सजा मिलनी चाहिए, हम भी चाहते हैं कि उसे सजा मिले। जो किया उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी, लेकिन एक अनुरोध है मुखिया जी, मेरे जेल जाने के बाद आप लोग मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा, उसका इलाज अच्छे से हो ताकि वो जिंदा रहे।